जय शंकर महाराज, हर महादेव। और एक नए दिन की शुरुआत, और आप सभी लोगों के बीच में तृतीय केदार टुंगनाथ जी के प्रांगण में जो एंट्री गेट है वहां पे मैं खड़ा हूँ। और ये जो व्लॉग होने वाला है ये टुंगनाथ महाराज का होने वाला है। और जैसे कि पंच केदारों में तृतीय केदार टुंगनाथ है, और मैं 5 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ और ये 6वीं बार मेरा है टुंगनाथ। तो आइए, मैं इस व्लॉग में आप सभी लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो सारी मैं डिटेल बताऊंगा जो जो इस यात्रा के लिए अनिवार्य होती है। तो बात यह है कि जब आप टुंगनाथ आएंगे तो सबसे पहले आपको ये चोपता वाले क्षेत्र में आना पड़ेगा, जो कि चोपता सिर्फ इतना सा है जो मेन मार्केट है। सामने खाने पीने की दुकान है, इस साइड कुछ गेस्ट हाउसेज हैं। तो गेस्ट हाउसेज 500 रुपये पर बेड के हिसाब से आप लोगों को मिल जाता है। तो छोटा सा ये मार्केट है, खाने पीने की व्यवस्थाएँ यहाँ पर सारी परिपूर्ण है। और ये है सुंदर सा गेट टुंगनाथ महाराज का। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगाया गया ये बोर्ड। क्या लिखा है? टुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। जी हाँ, सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो सबसे ऊंचे शिव मंदिर के करेंगे दर्शन टुंगनाथ महाराज के। जो चलिए चलते हैं आगे। सब तो थोड़ा सा ही आगे आते हुए लिखा है बोर्ड, आपकी यात्रा मंगल में हो, आगे मार्ग तीव्र चढ़ाई क्षेत्र है, धीरे चले, सांस नहीं फूलेगी, प्रकृति को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और एक बोर्ड और है, बड़ा सुंदर सा बोर्ड है ये देखिए, वृक्ष ही जीवन है, वन प्राणियों की सुरक्षा हमारा लक्ष्य। क्या बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, मजा आ रहा है भाई। वेदर हो गया एक नंबर। हिमांशु भाई तो साथ ही रहे हैं पहले से ही, साथ में चलते हैं जब भी है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा फॉग, नीचे ना पूरे बादल लेवल हो गया। तो ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारे व्यूज हम लोगों को मिलने वाले हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव, जो मतलब आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। तो फाइनली सुंदर से ग्रासलैंड में आ गए हैं, 1.5 किलोमीटर ऊपर आते ही। बहुत बढ़िया ग्रासलैंड। सो गाइस, मेरे पीछे आप बुग्याल देख रहे हो, और बहुत ही बढ़िया बुग्याल। मतलब नीचे से ना गेट जो है, गेट से 1.5 किलोमीटर आके ये आता है बुग्याल यहाँ पे। तो आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, खाने पीने की शॉप तो मेरे पीछे देख सकते हो आप, वहाँ पे है। तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो वैसे यहाँ पे, इतना ज्यादा मतलब स्ट्रगल वाला यहाँ तक का ट्रैक है नहीं। और भी सावन में मौसम देख रहे हो आप, कभी बादल आ रहे हैं, कभी फॉग लग रहा है। अब सूर्य देव भी आई जाएंगी जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे, देखते हैं आगे की कंडीशन क्या रहती है आगे। तो फाइनली भाई, जब ये बुग्याल में आप पहुंचोगे, बुज गली इस बुग्याल का नाम है, तो आपको यहाँ खाने पीने की दुकान मिल जाएगी 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद। तो अब करते ये है कि थोड़ी खाते हैं मैगी, और भैया लोग भी यहाँ पे रुक गए हैं, तो मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये मेरे सामने आप रास्ता देख सकते हो, ये मॉडरेट रास्ता है, कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं अपने वहाँ पे, वहाँ से ऐसे जिगजैग करते हुए टॉप पे पहुँचना है हम लोगों को। तो ठीक है, मॉडरेट ट्रैक है। बाबा हमारा पहाड़ों
तो चलिए थोड़ा गाने के साथ अब चलते थोड़ा किचन की तरफ। तो भाई जी मैगी बन रही है? बढ़िया। तो आपका नाम, शुभ नाम? राणा है। हाँ राणा जी, क्या बात है। तो भाई बुग्याल में जब आप पहुंचेंगे तो राणा जी से होगी आप सभी लोगों की भेंट। और देखिए क्या सुंदर तरीके से पका रहे हैं यहाँ पे मैगी। और भाई बिल्कुल प्योर पहाड़ का चूल्हे में आपको मैगी बनते हुए दिख रही होगी। तो आप लोग आए और यहाँ जरूर रुके, थोड़ा चाय नाश्ता या जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है आप यहाँ इजिली कर सकते हो। बहुत बढ़िया। बाबा विश्वेश्वर कैलाशी, तेरा चेला मुका साथी। तो भाई फॉग हो गया बहुत ज्यादा, कोडेंस्ड बिल्कुल एकदम। और ये विकिता आ रहे हैं यहाँ पे स्पीकर में गाने बजाते हुए। जय भोले, तो भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना ज्यादा हो सकता है ना उतना प्यार दें यार। शमो ट्रैक में आए, इस प्रकार के शॉर्टकट बिल्कुल भी ना ले क्योंकि हाथ पांव तोड़ के रख देता है ऐसा शॉर्टकट। तो जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते से कृपया आए। क्या होता है कि जब ऐसी चढ़ाई में आते हो ना दिख रहे हैं आपको पांव कितने ऊपर उठ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुसीबत का कारण होता है। ये देखो हमारे चीता, रानीखेत के चीता भैया आगे की तरफ का, ये देखो इस टाइप की समस्या आती है। तो चाहे आप लोग कोई भी सीजन में आए टोंगनाथ जब आप लोग आते हैं, क्योंकि टोंगनाथ वैसे ही इतनी हाइट में है तो ठंडा काफी सारा होता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आए हैं, वो बहुत जरूरी है। मतलब ना यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं रहता है कि कब बारिश हो जाए कब फॉग आ जाए, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। गर्म कपड़े अपने साथ लेके आए। बाकी इतना कोई ज्यादा टफ है नहीं, मॉडरेट ट्रैक है टोंगनाथ तक, फिर उसके बाद चंद्रशिला 1 किलोमीटर थोड़ा स्टेप चढ़ाइए। तो फाइनली मंदिर के पास आ चुके हैं, आधा किलोमीटर पहले हैं। और अब जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्ट्रेट है बट स्टेप है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चढ़ाई थोड़ी सी स्टेप है और इस बैंडी के बाद मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो भी हमारे साथ अंकल जी आए हुए और कल दर्शन करे थे इन्होंने, और कल ऊपर ही रुके मंदिर पास और साथ में छोटू ने भी दर्शन करे। छोटू कैसा लगा फिर मंदिर? अच्छा लगा है भाई, पहले बोल रहा था ठीक लगा, फिर मैंने कहा खाली ठीक लगा, फिर बोलने लग गया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है अंकल, जय शंकर महाराज। प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति को सौम्य रखे, स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करे। इस प्रकृति को सुंदर रखिए, कृपया कूड़ा ना फैलाएं। और अगर कूड़ा देखो हर किसी के पास होता है, आप लोग अपने साथ कैरी कर सकते हो, पॉकेट्स में कर सकते हो या बैग कैरी जैसे मैंने करा हुआ है। तो जो वेस्ट होता है जब मैं ट्रैक्स पे आता हूँ बेसिकली तो मैं रख लेता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी प्राकृतिक जो चीज़ है और शिव जी भगवान की पूरी जगह है वो खराब हो यार, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं भगवान भी होता है। तो ये चीज़ बस आप अपने मन में रखिए बस, और कुछ नहीं।
जो आप देख रहे हैं ये है गणेश भगवान जी का टेंपल, जो कि मंदिर से कम 300-400 मीटर दूर है। तो बैठे हैं, विराजमान है यहाँ पे गणेश जी, और सबसे पहले गणेश जी की ही उपासना होती है, तो गणेश जी को हम करते हैं दिल से प्रणाम, और आप सभी लोगों की तरफ से भी मैं करता हूँ प्रणाम। तो चलिए आगे चलते हैं टुंगनाथ की तरफ, बहुत ही दिव्य दृश्य दिखेगा, कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, बहुत अद्भुत सा हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो। और ये रहा ठीक मेरे ऊपर, यहाँ पे है मंदिर, थोड़ा लगा हुआ है फॉग, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, बट ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं मंदिर के पास, और लेंगे बढ़िया मंदिर का दर्शन करेंगे। भाई मंदिर पहुंचने के बाद बारिश देख सकते हो आप, कितनी तेज बारिश चल रही है, और ठंडा तो भाई नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई, क्या बात है। सामने टुंगनाथ मंदिर है मेरे, और अभी अभी बारिश रुकी हुई है। पीछे टुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार जो है, और अभी बारिश रुकी है, तो अभी थोड़ा बहुत सब कुछ गीला गीला हो रहा है। मेरे पीछे देख सकते हो थोड़ा बहुत फॉग, और तृतीय केदार श्री टुंगनाथ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेंपल, भाई दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर, तो अपने आप में बहुत बड़ी। तो टुंगनाथ मंदिर के ठीक बगल में है माँ नंदा जी का टेंपल, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये है पंच पांडव लाइन से, ये पाँच पांडव जी के यहाँ पे टेंपल बना रखे हैं, और श्री भैरवनाथ। तो ये पूरा मंदिर परिसर एरिया है, इतना बड़ा ये मंदिर परिसर है। पीछे की साइड पे जहाँ पे विराजमान है भूतनाथ जी, भूतनाथ जी के लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलना पड़ेगा, तो बारिश के चक्कर में थोड़ा अच्छे से सारी चीजें नहीं हो पाई, बारिश में अक्सर ऐसा होता है, तो फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल। और ये देखो भाई वानर सेना सामने, ये देखिए क्या भव्य प्रांगण है, और भैया लोगों ने तो कर लिए भाई दर्शन, क्या बात है, भूतनाथ की जय। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ थोड़ा। जय हो बाबा भूतनाथ की। ये है सामने साक्षात भूतनाथ जी, जो कि यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये वानर सेना हमारी, क्या बात है, तो इतना सुंदर। बाट के प्याला विश्व का तूने खुद पिया।
श्री केदार, ये है तृप्ति केदार, मेरे पीछे टुमनाथ। और बारिश हो गई थी तो बारिश के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब भी हुई और फाइनली दर्शन कर लिए हैं तृप्ति केदार। पंच केदारों में से एक ये है तृप्ति केदार टुमनाथ जी। यहाँ पे भगवान शिव के हृदय की और भुजाओं की पूजा होती है जो कि तृप्ति केदार ये कहलाता है। ये है दुनिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल भी बोलते हैं। तो 3,620 मीटर की ऊँचाई पर यह स्थित मंदिर है। अपने आप में एक दिव्य देखिए, आप त्रिशूल देखिए और पीछे का नज़ारा डिजाइन देखिए इस मंदिर का। तो दर्शन हो गए और बहुत अच्छा ये दर्शन रहा था। 5 किलोमीटर का ट्रैक भी करा हम लोगों ने और उसके बाद तुंगनाथ महाराज के दर्शन। बहुत मज़ा आया, सावन के टाइम में बरसात भी हो ही रही है। तो ये व्लॉग यहीं पे ही एंड करते हैं। आप लोगों को जब भी आना हो टुंगनाथ आप आएँ, सबसे ऊंचाई पे स्थित ये मंदिर है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप लोग आएँ, दर्शन करें और बहुत ही शांति मिलेगी आपको। यहाँ शांति का अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें और वीडियो को कम जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए, अपना प्यार बनाए रखें, वैसे ही मैं आप सभी लोगों के बीच में नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। जय शंकर, जय महाराज। यस्य विराजते हि गरलं।